स्वस्थ व्यक्ति को एक चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल खाली पेट पीना चाहिए। अब मैंने एक चम्मच बताया, एक भाई साहब ने 100 ग्राम ही पीना शुरू कर दिया। अब ये गड़बड़ है, अधिकस्य अधिकम फलम सब जगह नहीं होता है। आंखों की जिनको दिक्कत है, जल अमर प्रभु पिता या जन्मा है, ओंकार है सत्य सनातन है। शिव विराट है, हिंदू मात्र है, दोनों हाथों पर पवित्र ध्वनि के साथ परम पुत्र देव का अभिनंदन करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, जिससे जितना बन पाए सभी अभ्यास एक प्रवाह के साथ करना। आज योग आयुर्वेद के सार के रूप में चार के निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कहेंगे। जैसे महात्रिफलाघृत आंखों के लिए, फलघृत इनफर्टिलिटी के लिए, रीच के लिए, जैसे ब्राह्मीकृत मस्तिष्क के लिए और सामान्य गोकृत ये खाली पेट लिया जाए, तो जो आप नाश्ते के, खाने के आदि के बाद लेते हो, उससे ये 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। जिनको मस्तिष्क के रोग हो, एपिलेप्सी है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, उनको ब्राह्मीकृत खाली पेट सुबह उठते आधी एक चम्मच से शुरू करो। ऐसे तो मुंह में भी घी डालो तो अपने आप पिघल जाता है, बॉडी की जो नेचुरल हीट होती है उसी में। और किसी को घी पिघला करके पीना है, करते रहिए आप अभ्यास, एक चम्मच पर्याप्त है। और वो सुबह का घी डाइजेस्ट भी हो जाता है और उससे किसी का भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। मस्तिष्क तो 80% बनता ही चिकनाई से है, और सबसे अच्छी चिकनाई है गाय का घी, फिर है भैंस का घी, फिर है नेचुरल ऑयल्स। जिससे जितना बन पाए होले होले करना। 80% हमारा दिमाग किससे बनता है? नेचुरल फैट, अंग्रेजी में, हिंदी में चिकनाई घी, नेचुरल ऑयल से, तेल से। ये जितने भी रिफाइंड ऑयल है ये तो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और पता नहीं क्या क्या फायदा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो बढ़ रहे हैं ना आपके, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप नेचुरल घी और नेचुरल ऑयल की बजाय रिफाइंड खा रहे हैं। अब देखो कितनी चीजें बिगाड़ के खाते हैं, वो अभी मैं बताने वाला हूं। पहले घी के बारे में बता देता हूं। स्वस्थ व्यक्ति को एक चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल
या तिल का तेल खाली पेट पीना चाहिए। अब मैंने एक चम्मच बताया, एक भाई साहब ने 100 ग्राम ही पीना शुरू कर दिया। अब ये गड़बड़ है, अधिक से अधिकम फलम सब जगह नहीं होता है। आंखों की जिनको दिक्कत है उनको त्राटक से लेकर के त्राटक हाइग्रिड बॉडी हाइग्रिड्रोप फिर बस्ती नंगे पैर घास पर चलना गाजर का जूस आंवले के आंवला संतरा बहुत टेस्टी भी लगता है। आंखों के लिए एक्यूप्रेशर लीच बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम शीर्षासन सर्वांगासन ये मस्तिष्क के लिए भी काम करते हैं। मस्तिष्क के लिए ओमेगा मेधा मेमोरी मेगा क्वाथ ओंकार गायत्री का ध्यान। तो खैर महात्रिफलाकृत खाली पेट लेना। आंखों में कितने ज्यादा मैक्युलर डिजनरेशन हो, आंखों की कितने बीमारियां, काफी भाई बहन है जो यहाँ पर इसी आश और विश्वास के साथ आए हुए हैं कि हमें यहाँ से दृष्टि मिलेगी, जीवन की दृष्टि भी मिलेगी, आंखों की दृष्टि भी मिलेगी। इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा यौनामृत, महिलाओं के लिए नारी कांति वटी सिरफ दशमूल, शिवलिंग के पुत्र जीवक के बीच पहले दिया करते थे, अभी भी देते हैं लेकिन उसका रेडीमेड वर्जन है पूरा साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के साथ संतति सुधा। और पुरुषों के लिए यौनामृत तो यौवन चौणे तो पहले से ही है, अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए सामान्य मध्यम तीव्र गति से। एक बार पूरा पसीना चूना चाहिए, ये तो रोज का नियम मैंने बताया हुआ, पसीना चूना चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस जिसमें योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान भजन कीर्तन और आधार से सस्रार तक अपने अंतर शक्तियों के जागरण के संकल्प के साथ ऐसे पूरा वेग से करना। पूरा सांस लेना है, पूरा छोड़ना, कोई कंजूसी नहीं। ऊपर से नीचे तक का है, पेट पर पीठ पर हाथों में पैरों में रोम रोम से पसीने की सहस्र अजस्र धारा निकलनी चाहिए। तो फलकृत लंबे लंबे श्वासों के साथ द्वितीय तैल का जो सेवन है अलग अलग रोगों में अप्रतिम लाभ करता है, आयुष्य को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है, पूरे शरीर में स्निग्धता लाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बात बताई खाली पेट। अब इसके अलावा रस रसायनों में जितनी भी महंगी औषधियां है, ये दूसरी बात बता रहा हूं, स्वर्ण योग है मधुमेह के लिए वसंत कुसुमाकर और कमजोरी के लिए, वसंत कुसुमाकर में फिर थोड़ा गिलोय शतादी मिला देते हैं, मोदी पिष्टि उसकी गुण वृद्धि के लिए और उस वह सौम्य हो जाए साम्य हो जाए सात्म हो जाए। वसंत कुसुमाकर मधुमेह कमजोरी के लिए, बृहत वात चिंतामणि वात रोगों के लिए, रसराज रस
नाड़ियों की दुर्बलता के योगेंद्र रस हृदय के लिए, कुमार कल्याण रस बच्चों में सेरेब्रल पैलेसी से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लेकर के जितने भी बच्चों में दौड़बनने की समस्या है उसके लिए कुमार कल्याण रस। जिनके फेफड़े बहुत कमजोर है उसके लिए स्वर्ण वसंत मालती और सहस्र कोटि अभ्रक भस्म बड़ी दुर्लभ औषधियां है। 80-90% जिनके फेफड़े कमजोर हो गए थे उनको हमने रिवाइव किया है, रिपेयर रिजुविनेट किया है। पूरा प्रोसेस तो आपको पता ही है, सुनते रहते हो। 80-90% फेफड़े कमजोर हो जाए तो खाली पेट हम स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म सहस्र कोटि खजूर कर्म कर। 80-90% भी हड्डियां कमजोर हो जाए तो बृहद्वार चिंतामणि मुक्ता शुक्ति मोती दृष्टि मिला करके देते हैं और वात और आहार की व्यवस्था करते, पिनाक्रिल जूस पिलाते हैं, खाना पीना बंद करा के हड्डियों को ठीक करते हैं। हड्डियां ठीक होंगी, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन ऑर्डर में आ जाए, वह पूरा एक्टिव हो जाए सिस्टम बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन। अब आपको लगता है खा पी करके हड्डियां मजबूत होंगी, हम उपवास करा करके वात हर उपवास है पूरा। एटीएम की सब्जी है जो हम उसमें रागी या बाजरे की रोटी आदि खिलाते हैं वो तो 5-7 दिन बाद खिलाते हैं। सप्ताह में 5 दिन उपवास करा करके हम 90-99% वात रोगों को प्रथम नियंत्रित और बाद में उसका पूरा निस्तारण कर देते। कितनी बड़ी बात है वात रोगों में। अब देखो ऐसे कफ रोगों का स्वर्ण वसंत मालती और फिर उसमें बाकी औषधीय प्रयोग है। ऐसे पित्त रोगों में खाली पेट मुक्ता पिष्टि, खाली पेट वीट ग्रास, खाली पेट एलोवेरा का जूस फ्रेश धर्मेंद्र ने तो अपना पतंजलि का बना हुआ पानी में डाल कर दिया। पित्त हर पेय की पूरी व्यवस्था है, वात हर पेय की, पिनाक्रिल पेय की और श्वास रोगों के लिए श्वासारी की पेय की व्यवस्था बताते हैं। अब एक बार भी खटाई नहीं खाना वात रोग, एक बार की खटाई एक महीने की मेहनत पर पानी फेर देती है। लो बोले भाई बात खटाई में पड़ गई। अब ये खटाई शब्द क्यों प्रयोग करते, सर्वाधिक रोग वात रोग है और खटाई खाते ही एक सप्ताह अपने मेहनत की एक महीने मेहनत की वात रोग पूरा नियंत्रित होगा। आरे हो गया, आरे CRP NA AVN SLB 27 सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक ठाक चलने लगे। एक दिन नींबू खा लिया, छाछ पी ली, दही ले लिया, उसी में गड़बड़ हो जाता है। वात रोगियों को एक बार भी खटाई का प्रयोग नहीं करना, कफ रोगियों को एक बार भी चिकनाई और ठंडाई का प्रयोग नहीं करना और पित्त रोगियों को एक बार भी मिर्ची मसाला तीखी चीजों का प्रयोग नहीं करना। अब हम लोग सजग ही नहीं होते, शुगर होने पर फिर भी थोड़ा सा चीनी से दूरी बनाते हैं, बीपी होने पर नमक से फिर भी थोड़ा डर लगता है। वात पित्त कफ रोगी तो वात रोगी खटाई, कफ के रोगी चिकनाई और पित्त के रोगी मिर्च मसाले ठोक करके खाते रहते, फिर कहते ठीक है। जैसे शुगर में चीनी दुश्मन है, जैसे बीपी में सोल्ट दुश्मन है, जैसे चर्म रोगों में चीनी और नमक दोनों ही दुश्मन है, लंबे लंबे श्वास, जैसे बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो चिकनाई दुश्मन है,
जैसे मोटापा ज्यादा बढ़ जाए तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है और उसमें भी फैट दोनों ही आपके फैट को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं। अब आपको थोड़ा लंबा लंबा करा रहे, कुछ तो कर रहे पर कुछ तो ऐसे ही। अरे बाबा आप तो ज्यादा ही लंबा करवा देते हो, थोड़ा करो। जिससे जितना बन पाए ये तो अभ्यास तो 100-100 बार करने चाहिए, पहले वाला ये और दूसरी वाला ये दोनों अभ्यास। पूरे शरीर से पसीना चोना चाहिए। चलो अभी आज बहुत सी बातें आपको बता दी। योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, पंच महाभूत चिकित्सा का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का, ये जो बीमारियों को दसों दिशाओं से घेरते हैं उसका पूरा सार एक्सट्रैक्ट निष्कर्ष आपको बताना है। पहले क्रॉस करके योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ऐसे पूरा पहले शरीर को तैयार कर रहे हैं। योगिक जोगिंग करा के, सूर्य नमस्कार करा के, दंड बैठक करा करके ऐसे सामने से, फिर थोड़ा उछल उछल के ऐसे भगवान शिव की आराधना के स्वरों के साथ। वही शिव है, वही रुद्र है, महादेव की आराधना के साथ आप जिससे जितना बन पाए हमारा साथ देना, जिनसे अधिक ना बन पाए वे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही वेग पूर्वक भस्त्रिका पूरा वेग पूर्वक, कपाल भाति वेग पूर्वक अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान के तहत नमामीशमीशान बाणरूपं विभुंद्रापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुंद्रापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं शमाकाशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
सबके लिए। थक जाओ तो बीच में थोड़ा मकर आसन, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी पांचवी बार, ये सबको करना। और जो कर सके चली आइए, कीजिए मेरे साथ साथ। कलातीत
जितना बन पाए। दो चार प्राणी भुजंगासन करते भी दिखे, बाकी तो मगरमच्छ की तरह पड़े ऐसे नहीं। चल ये करो, विश्वदन सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान किया कर। अभी रुद्राष्टकम सुना रहे, शिवाष्टकम सुनाते हैं। शिव का ध्यान करो, भगवान हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान बुद्ध, महावीर जी का ध्यान करने का मिला वैसे स्वयं को बना। होले होले ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आए और अभ्यास होने की बात तो देखो, पसीना छूना चाहिए, टपकना चाहिए पूरे शरीर से, छाती से लेकर के पेट, पेट से लेके एड़ी से लेके चोटी तक, चोटी से लेके एड़ी तक। जवानों का तो 100 बार से पहले रुकना ही नहीं, 100 बार के बाद 10-20 सेकेंड रुक सकते हैं। अब ये अभ्यास करने के लिए ऐसे वो जो थोड़े मजबूत है उनको ऐसे ऐसे लगाता होले होले मध्यम गति से, तीव्र गति से। ये तो व्यायाम का पैकेज हुआ, अब आगे बढ़ा देते हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादुत्थानासन, सीत बंद कटित्तानुष्ठासन, जिससे जितना बन पाए 5-10-12 अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। हम करते तो हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, पूरा किया कर। मैं बार बार कहता हूं, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण शरणागति से युग पूरा होना चाहिए। दो मूल सिद्धांत मैंने आपको बताया, फिर उसका विस्तार भी मैंने पिछले 7 दिनों तक कहा था आपको। एक बार पसीना पूरा बहाओ, फिर आधा सा 1 घंटा योग सबके लिए, 1 से 2 घंटा योग क्रिटिकल क्रोनिक प्रॉब्लम्स के लिए, और 4-4 घंटा योग सुबह 4-5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक, और शाम को 5-6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक एक रूटीन बना लो। ये बीपी, शुगर, थायराइड, एस्मार्थाइटिस से लेकर के लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, SLMS, ऑटोमन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों पर तुम विजय पा लेते हो, कितनी बड़ी बात है। चलो सब रोगों पर भी विजय पानी है और स्वयं पर विजय पानी है। जो अपने शरीर की समस्त दुर्बलताओं पर, इंद्रियों की, मन की दुर्बलताओं पर विजय पा लेता है, जो आत्म विजेता हो जाता है,
विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। बात तो सुनते हो तुम, लेकिन सुन करके उसको जियो। तुम शिवत्व को, हनुमत तत्व को, कृष्ण तत्व को, राम तत्व को, बुद्ध महावीर तत्व को, नानक तत्व को, देवत्व को, ऋषित्व को अपने भीतर अनुभव करो, स्वयं को जानो, जगाओ और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा करके अपने पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं की भांति वही बन जाओ। हम ऋषि शिक्षिकाओं के वंशधर हैं, ये बात रोज मुझसे सुनते हो। तुम्ही शिव हो, तुम ही राम कृष्ण हनुमान हो, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती कौशल्या हो, तुम ही यशोदा हो, तुम ही अंजनी माता हो, तुमसे ही आंजनेय होंगे, तुम ही गुजरी माता हो, तुम ही जीजाबाई हो, तुम ही जिजाऊ हो, तुम ही मदालसा हो, तुम ही अहिल्याबाई हो। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना बन पाए, सारे अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर, कहां कोई रोग बचेगा, अभी तो रोगों में ही उलझे हो। रोग मुक्त होना है, जो योग युक्त होगा रोग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, व्यसन मुक्त होगा, वासना मुक्त होगा, विलासिता मुक्त होगा, हिंसा, वायलेंस, वॉर, हेट, इंटॉलरेंस, नफरत, घृणा, भेदभाव से मुक्त होगा। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाएगा, योग से युक्त हो जाएगा, शिवत्व से युक्त हो जाएगा। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम नमः। प्रभुं प्राणनाथं विभुं वैश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां। प्रभुं प्राणनाथं विभुं वैश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां। भवद्भव्यभूतेश्वरं मंडलं मंडयन्तं महामंडलं भस्मभूषाकरम्।
शंकरं जम्बुमीशान्यमेते परिवर्धमानं सुरानुप्रधानं शिवं शंकरं शंभुमीशान्यमेते शरच्चन्द्रदात्रं सदानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं हरेशस्य मित्रं शरच्चन्द्रदात्रं बैलेंस पूरा हो गया। अब योग फॉर ओबेसिटी। एक प्रवाह के साथ अर्धनासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, जिससे जितना बन पाए कि एक पैर से दोनों पैरों से, एक एक अभ्यास 100 बार से लेकर के 1000 बार करना। तो आज प्रारंभ में मैंने कुछ बातें बताई है कि क्या करना क्या नहीं करना, विधि का जितना महत्व है उतना ही निषेध का भी है। यद्यपि निषेध का स्थान हमारे जीवन में 1% भी नहीं है, जो नहीं करना उसकी हमने एक रेखा खींच रखी है कि ये नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं खाना पीना, नहीं जीना। लेकिन एक बहुत बड़ी रेखा, दीवार, मर्यादा हमने खींच रखी है कि एक बार भी बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं खाना पीना, बुरा नहीं बोलना, बुरा आचरण नहीं करना, एक बार भी मांसाहार नहीं करना, एक बार भी शराब का सेवन नहीं करना, एक बार भी दुराचार नहीं करना, दुष्कृत्य नहीं करना। कहने में भी ये एक क्षण की बात है कि निषेध से बचना, डोंट्स की तरफ नहीं जाना, डूज को करना। जीवन 99.99% पॉजिटिविटी में ही जीना है, लेकिन निषेध से बचना है। अब निषेध को ही धार्मिक दृष्टि से अधर्म, पाप, अशुभ, अनीति कहते हैं, उसी को कानूनन दृष्टि से इलीगल कहते हैं, उसी को ही सामाजिक दृष्टि से असामाजिक, इमोरल,
शब्द प्रयोग जो भी हो, आप उसको निषेध कहे, उसको अभक्ष कहे, उसको पाप कहे, अधर्म कहे, अनीति कहे, अशुभ कहे, कुछ भी नाम दे दे, उसमें प्रवृत्ति नहीं होना। प्रवृत्ति तो हमारी विधि में ही होगी, कर्तव्य में ही होगी, धर्म में ही होगी। धारणात् धर्माः, जो धारण किया जाता वही धर्म है। अब धर्म बोलो, कर्म बोलो, कुछ इतने बावड़े हैं। एक सो कॉल्ड धर्माचार्य एक घंटा भाषण दे रहा, एक बच्चा बोल रहा मैं तो धर्म को नहीं मानता, मैं तो कर्म को मानता हूं। अब उसी में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं आजकल। अपरिपक्व धर्माचार्य कथाकार, अपरिपक्व हमारे धर्म की व्याख्याता, अपरिपक्वता कहां कहां देखो। माता पिता में अपरिपक्वता है, माता पिता यदि परिपक्व हो तो उनकी कोख से महान संतानें पैदा हो, फिर उनका निर्माण करें। परिपक्वता, प्रामाणिकता, गंभीरता, संवेदनशीलता, सजगता, जागरूकता, जिम्मेदारी। अब यू तो मैंने सभी के मुख से सुना है, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। अब ये कितना बड़ा तत्व है, जो मोटे मोटे भाई बहन है यही करना है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से जितना बन पाए अपने अभ्यास पूरा करना। विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरै वेदी लगे रहो। और जरा गंभीरता से मेरी बात को सुनना, और प्रामाणिकता के साथ, परिपक्वता के साथ, ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ, परिपक्वता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, संवेदनशीलता, जागरूकता के साथ अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करना। मैं कह रहा था ये परिपक्वता धार्मिक दृष्टि से धार्मिक गुरुओं ने, साधु संत महात्माओं ने, मुल्ला मौलवियों ने, पादरियों ने, जिसके जो भी धर्म के बड़े स्तंभ थे, उन्होंने ये प्रामाणिकता खो दी है। 99% लोगों ने बहुत बुरी हालत है। चलो अब पवन मुक्तासन करो। परिपक्वता धार्मिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, परिपक्वता ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, कर्म कृति पुरुषार्थ की दृष्टि से, परिपक्वता परिवारों में, समाज में, राष्ट्र में, कृषि में, उद्योग में, व्यवसाय में, रिश्तों में, प्रामाणिकता आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंधों में, आचरणों में घट गई है। और इसी से ही जीवन में सब प्रकार के रोग दुख दर्द पीड़ाएं। लंबा करो पवन मुक्तासन। खैर ये परिपक्वता वाली बात तो सबको समझ में आ ही रही है, और फिर भी हम अपने जीवन में परिपक्वता नहीं दिखाएंगे। प्रामाणिकता, संवेदनशीलता, जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे
सैकड़ों तरह के उत्तरदायित्व है और वो पूरी प्रामाणिकता परिपक्वता के साथ होनी चाहिए, दूरदर्शिता पारदर्शिता के साथ। नहीं करेंगे तो रोगी होंगे, दुख पाएंगे और बहुत तरह से जीवन में बदहाली होगी, ठोकर पर ठोकर खाएंगे। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करो, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन नौकासन लंबा लंबा करें, सीतुबंध सर्वांगासन हलासन लंबा लंबा करो। पूरी प्रामाणिकता के साथ करो, योग में ही प्रामाणिकता नहीं है, चिकित्सा में प्रामाणिकता नहीं है, शिक्षा में प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता परिपक्वता परिपूर्णता, जिससे जितना बन पाए पूरा करो, करते करते अभी इसी क्षण लाभ होगा। मैं कहता हूं अभी करो अभी पाओ। अब आपका स्ट्रक्चरल इंबैलेंस है, नाभि धरण कोड़ी आदि डिगी हुई है, एंक्रोजिंगोस्पलाइटिस है, कितनी तरह से मैंने अलग अलग बातों को कहा हुआ है। अब 10 मिनट आपको ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन करना पड़ेगा, 10 मिनट भुजंगासन मरकटासन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस ठीक हो जाएगा। तुम कहते हो एंकोलॉजिक स्पर्शाइटिस कभी अच्छा नहीं होता, मैं कहता हूं पूरा अच्छा होता, लेकिन मेरे पास आते कब है, सब कुछ लुटा करके। एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस में तब आएंगे जब पूरा धनुष बाण तैयार हो जाएगा, धनुर्वाद है, जैसे HLB-27। अब चलो इसी के ऊपर 5 मिनट बात करता हूं। जैसे HLB-27 आपका पॉजिटिव आता है, तुरंत आइए और तुरंत मुक्ति पाइए। लो जैसे ही आपको डायबिटीज, जैसे ही बीपी, जैसे ही शुगर, जैसे ही थायराइड, जैसे ही अर्थराइटिस, सारे सीआरपी एवियन ये कुटुंब है पूरा वात रोगों का, HLB-27 यूरिक एसिड, जैसे ही ये खतरनाक इंडिकेशंस का पता लगा तुरंत उपचार कीजिए। हम 5-5, 10-10, 20-20 साल एक एक रोग को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो रोग पूरे शरीर में रोम रोम में अपना जड़ जमा लेता है। 37 ट्रिलियन सेल्स तक, जब तक वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, 37 ट्रिलियन सेल्स तक, जब तक बीपी, शुगर, थायराइड अपना असर नहीं कर देता, बुरा असर उनको ध्वस्त विध्वंस नहीं मचा देता, तब तक हम जागते नहीं। जब तक मरणासन में नहीं हो जाते, बोले भाई अब तो बात बनेगी नहीं। अब ये कितनी बुरी बात है, जब SLE ऑटोइम्यून डिजीज ने
जब कैंसर ने पूरा घेर लिया, बोले अब तो मल्टीपल कैंसर हो गया, अब तो ब्लड में भी आ गया, बोन्स में भी आ गया, लीवर किडनी में भी आ गया, ब्रेस्ट में भी। उनको भी ठीक किया हमने, ये अलग बात है, लेकिन भाई पवन मुक्तासन लंबा कर लो। उत्तान पादासन लंबा करो, अब 10 मिनट करना होता है। अब देखो थोड़ी देर फटकार लगाने का मन कर रहा है, क्योंकि फिर तुम नहीं तो योग को, आयुर्वेद को, अपनी सनातन परंपरा को, स्वामी रामदेव को, पतंजलि योगपीठ को, सबको बदनाम करने वाले बनोगे। योग भी कर लिया, आसन भी कर लिया, प्राणायाम भी कर लिया, दवा भी कर ली, पंचकर्म षटकर्म भी कर लिया, कुछ ना हुआ। योग भी कर लिया, आयोजन भी कर लिया, भजन भी कर लिया, भक्ति भी कर ली, कुछ ना हुआ। गंगा स्नान भी कर लिया, बस अब तो गंगा में डूबना ही बाकी रह गया। ये जो हम लोग आधा अधूरा करने की जो हमारी गलत प्रवृत्ति हो गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन सब पूरा करो। थोड़ा सा करते हैं, मैं कहता हूं 10 मिनट करो। अब ये 10 सेकंड 20 सेकंड करते हैं पवन मुक्तासन, फिर छोड़ देते। ऐसी बात नहीं बनेगी। 10 मिनट भी लगातार करने से पूरा लाभ होता है, इसलिए मैंने योग के विधि विधान के जो 10-12 मूल साधन बताए उसमें एक ये भी कहा था, पूरा मेरे पास में नोटेड है, अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास, सातत्य के साथ योगाभ्यास, अबाधित योगाभ्यास लगातार किए जा रहे हैं। जैसे ही आप योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम प्रारंभ करते हैं, तो आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण प्रारंभ होता है। थोड़ी देर के बाद आप रुक जाते हैं, फिर वही वापस आ गए जहां से शुरू किया। जैसे आपने तवा गर्म किया, रोटी सिकने लगी, फिर आपने अग्नि बुझा दी, फिर ठंडा कर दिया। आपने पानी को उबाला, 100 डिग्री तक वाष्प बनना शुरू हुआ, फिर आपने ठंडा कर दिया, फिर जलाओ। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इससे हमें बचाना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। लगातार पवन मुक्तासन, लगातार उत्तान पादासन, और उसमें भी योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान भजन कीर्तन एक साथ करा रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, सब निरंतरता के साथ करो। कल मैं पूछ रहा था, बोले जो लाभ घर में 6 महीने में हुआ वो यहां 6 दिन में हो गया। सर्वांगासन, हलासन लंबा लंबा करना सीखो। अब जिनको लीवर किडनी फेलियर है, डायबिटीज है, डायबिटीज, योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान योग यजन लगातार करना, लगातार 10-10 मिनट 20-20 मिनट। अपना अपना
अभ्यास पूरा कीजिए। सर्वांगासन हो, हलासन हो, शीर्षासन हो, पूरा करना सीखे। चलो बैठ जाओ। जो मोटे मोटे भाई बहन है वो स्थित कोणासन चक्की आसन करो, शेष शीर्षासन करो, अपना अभ्यास पूरा करो। अब शीर्षासन का पूरा लाभ पाना है तो 5 से 10 मिनट करना पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक आसन का नियम है 1 से 2 मिनट। ये जो हमेशा उथल पुथल मचा रखी है ना तुमने, उथल पुथल उधेड़ बुन आपा धापी, मन में तूफान सा उठ रहा है और बस पगलाए हुए ऐसे अनमने से होकर के योग किए जा रहे ना। मनमना भव मद भक्तो मदिया जीवाम नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो सिमे। मयि एव मना दत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। पूरा करो पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण कृतज्ञता के साथ। मूल बंद उड्यान बंद के साथ, कपाल भाति के साथ, मंदिर शोभितम्।